गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिबका मैथमेटिक्स टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, एरर के आज हम डेफिनेशन देखते हैं। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अगर आपको एक बात बताती हूँ कि अप्रोक्सीमेशन, जब भी हम अप्रोक्सीमेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें एरर ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर हम उसको प्रॉक्स कर रहे हैं, जब उनका ऐड करेंगे या सम करेंगे तो वैल्यूज़ कम या ज़्यादा होंगी ना, तो इससे एरर तो आएगा ना। अगर हम इसी को कंप्यूटर में करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में अगर हम इसको करें प्रॉक्स कर करके वैल्यूज़ को, तो कितना हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू करने से हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये भी आपको बताया है कि जब भी अप्रॉक्सीमेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेट का, तो उसमें एरर ज़रूर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम इसके एक एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए, एरर हमारे पास है एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने ली है 8.5467। अब वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं? देखिए, इस डेसिमल के बाद हम तीन डिजिट्स को देखते हैं, तीन डिजिट्स के बाद हमने चौथा डिजिट जो होता है उसको देखना होता है। अगर ये हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो पिछले एक नंबर में हम 5 से ग्रेटर होता है या 5 होता है तो पिछले एक नंबर में हम एक डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखें, ये वाला डिजिट हमने देखा। अब 2 डिजिट्स के बाद भी कर सकते हैं, 3 के बाद भी कर सकते हैं। ये देखो, मैंने 2 डिजिट्स के बाद इसको अप्रॉक्स किया तो 5 4 4 से पहले हमारे पास 5 से ग्रेटर डिजिट था, तो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, तो 8.55 हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू में से हमने एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास थी 8.5467 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास जो है 8.55, मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, और इसको डिनोट हम करते हैं डेल से। ठीक है, हम कैसे एग्जैक्ट वैल्यू को अप्रोक्स कर, और इसी के साथ टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस करनी है। देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स, हमारे पास काफ़ी तरह के एरर्स होते हैं। इनहेरेंट एरर, राउंड ऑफ एरर, ट्रंक्शंस एरर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, जनरल फार्मूला ऑफ एरर्स। हम बारी बारी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? एरर, और एरर को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अगर हम 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद को हम अप्रॉक्स कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम प्रीवियस नंबर में एक 5 से ग्रेटर होता है तो एक नंबर को ऐड कर देती हैं। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।